कोरोना का कहर झेल रही दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की खबर है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान पॉजिटिविटी रेट करीब 18% रहा, यानी जांच करवाने वाले हर 100 लोगों में इतने ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 26 अप्रैल को ये 35% था, यानी 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट आधा हुआ है। पिछले 24 घंटे में नए मरीज भी करीब 12,500 ही आए और ये आंकड़ा भी 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चालान काटने पर उतारू दारोगा ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे आदमी को आगे बैठाकर उसका चालान काट दिया। बताया गया कि पुलिस वहां लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चेकिंग कर रही थी, लेकिन तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को देखकर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी ने हेलमेट पहना था। ऐसे में वहां मौजूद दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को उतार लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। चालान काटने की जिद पर अड़े दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को ही मोटरसाइकिल पर आगे बैठा दिया और फिर उसकी फोटो खींचकर उसका चालान काट दिया। इस बीच किसी ने इस मामले का वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद बहराइच के पुलिस कप्तान ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते नजर आए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने शक जताया कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार के नाम पर इन शवों को गंगा नदी में बहा दिया और उन शवों को देखने के बाद इलाके में महामारी की आशंका से दहशत फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दर्जनों शव गंगा नदी में बहते दिखे। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर एक साथ दर्जनों शव मिलने के बाद जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के अधिकारी तुरंत नाव लेकर नदी में उतर गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये शव कहां से बहकर आए हैं। प्रशासन ने सभी शवों के उत्तर प्रदेश से बहकर आने की आशंका जताई। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहां से आए। इतनी बड़ी तादाद में नदी में शवों के मिलने के बाद पुलिस ने वहां गंगा के घाट की चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के कुछ जवानों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। बिहार के बक्सर में ही नहीं बल्कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में कई शवों के मिलने का दावा किया गया। इलाके के लोगों ने नदी में 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 शवों के मिलने की बात कही है। तो अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। गाजीपुर में नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन ने भी वहां सख्ती कर जांच तेज कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। ईडी के एक्शन में आते ही बीजेपी फिर से उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। बीजेपी के इस हमले का जवाब कांग्रेस की ओर से सचिन सावंत ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर राजनीति द्वेष के तहत काम करने का आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस ने स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और कुछ आरोपियों को नोटिस भेजा। आरोप है कि किसान आंदोलन के लिए बंगाल से आई लड़की से दरिंदगी की गई। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस लड़की की शिकायत के बावजूद मामले को दबाने की कोशिश की। तेलंगाना में सुबह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोली जाएंगी। जम्मू कश्मीर सरकार कोरोना संकट में मजदूरों की आर्थिक मदद करेगी। सरकार राज्य के सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को अगले 2 महीने तक 1,000 रुपए देगी। इसके अलावा कटरा में पालकी घोड़े और पिट्ठू वालों को भी 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने कोरोना की वजह से जिन बच्चों के घर वालों की मौत हुई उन्हें स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। टीका अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद जम्मू में टीके की कमी की वजह से कुछ टीका केंद्र बंद करने पड़े। ऐसे ही एक सेंटर पर न्यूज 18 पहुंचा जहां सन्नाटा दिखाई दिया। सर्वे कश्मीर और एक जम्मू में सेंटर काम कर रहा है, वहां पर भी काफी संख्या में लोग जो पहुंच रहे हैं उनको निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि जम्मू में 4 में से केवल 1 सेंटर ही चल रहा है, जहां टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने टीके की कमी को जल्द पूरा करने की मांग की। जितनी जल्दी हो सके जितना ज्यादा सेंटर्स हो सकते हैं उनको ओपन करने चाहिए कि जितने ज्यादा लोग लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। डीआरडीओ की कोरोना